हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्टूडेंट, ये टॉपिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ, इससे पहले मेरे बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पे अपलोडेड हैं, जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको बता दूँ, यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बना रखे हैं और यहाँ पे आप IIT12 यहाँ पे आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और स्टूडेंट, एक और चीज़ बता दूं कि जितने भी वीडियोस है, अगर आपको लग रहा है कि सर ये टॉपिक पे है कि नहीं, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके आप देख लें, वहाँ पे आपको सब मेरी वीडियोस मिल जाएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, एक और रिक्वेस्ट आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, सो देट कि मेरे जो नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ उनके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ ए कर्व ऑफ ए गिवन पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड रेडियस इज अ कर्वेचर। अल्टीमेटली होता क्या है, किसी भी कर्व की रेडियस निकालना, तो आपको उसका निकालना क्या होता है, अल्टीमेटली आप क्या निकालना चाह रहे हो, आप ये निकालना चाह रहे हो उसका बेंड कितना है, राइट। लाइक जैसे मेरी बात सुनो, अगर ये कोई कर्व है ना, अब इसका बेंड ज्यादा है, तो इससे बनने वाला जो सर्कल होगा उसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, कम होगी, राइट। बेंड ज्यादा है तो रेडियस कम होगी। अगर यहां पे मैं आपको बोलूं ये कोई सर्कल है, राइट, ये कोई कर्व है, तो इससे बनने वाला जो सर्कल होगा उसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इससे। यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रो से डिनोट करते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, जो भी आपको कर्व गिवन है ना, उस कर्व से बनने वाला सर्कल है ना की रेडियस क्या है, तो वो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन की हेल्प से निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बैंड निकालने से यहाँ पे। सो हम किस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता दूं, और बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट रहते हैं, सर ये फार्मूला आया कहाँ से, कैसे हम इसको करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, ये जो फार्मूले इनके डेरिवेशंस होते हैं, उनके डेरिवेशंस बताने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और मैं अलग से इन टॉपिक पे वीडियोस डालूंगा, बट अभी मैं सिर्फ अप्लाइड डाल रहा हूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होती क्या और उसके बेस्ड क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रो से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे मैं कार्टिजन वाला बता रहा हूँ कि कार्टिजन कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरह से निकालते हैं, फिर हम बात करेंगे इंट्रिंसिक कर्व और हम बात करेंगे फिर उसके बाद पॉलर कर्व्स की, राइट। सो देखिए, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रो से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला होता है 1+dy/dx का होल स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन d2y/dx2। स्टूडेंट, अगर आपको कभी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे रखे हो है ना, तो उस वाले केस में उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला क्या होता है, x'^2 y'^2 x'^y" - y'(x)). यहां बता दूं मैं, x' का मतलब होता है dx/dt और y' का मतलब होता है dy/dt, और ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला है। लाइक अगर आपको x = ft और y = gt, अगर ये पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको इस तरह से दे रखा है और आपसे बोले कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो इस फार्मूले से हम निकालते हैं, और अगर फंक्शन की फॉर्म में दे रखा है तो इस तरह से निकालते हैं। मैं आपको दोनों फार्मूले से एक एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। लाइक आपको अगर बोले कि x² + y² = a², राइट, ये एक सर्कल है, पर आपसे ये पूछ ले कि फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कर्व, तो बेट हम जानते हैं कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ए होती है, बट हम इस फार्मूले से कैसे निकालेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ, राइट। सो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये वाला जो है इस फार्मूले से निकालेंगे इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए, तो 2y/dy/dx = 0। नाउ dy/dx की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, ये 2x उधर गया और y से डिवाइड होगा, और 2 से 2 कैंसिल होगा, तो -x/y। अब हमें यहाँ पे चाहिए d2y/dx², तो हम इसको एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे, सो d2y/dx² को हम u/v से करते हैं, y को छोड़ा x का किया तो 1, x को छोड़ा y का किया तो dy/dx / y². नाउ ये dy/dx की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए आप, सो d2dx² - y, और ये यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये x इस x से मल्टीप्लाई हुआ तो x² / y / y². नाउ इसका हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, तो d2y/dx² y का एलसीएम लेंगे, तो ये y क्या हो जाएगा, y² + x² और y से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे हो जाएगा y³। नाउ इन दोनों की वैल्यू dy/dx और d2y/dx² की वैल्यू इस फार्मूले में रखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो रो की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1+dy/dx² मतलब इसका होल स्क्वायर, सो 1+ -x/y का होल स्क्वायर की पावर 3/2 है ना,
देन डिवाइडेड बाय डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की बता दूं वैल्यू मैं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है ए स्क्वायर. तो मैं लिख सकता हूं इसको ए स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब. तो स्टूडेंट ये आएगा ए स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब. नाउ इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं और मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं, तो ये आएगा हमारे पास रो इज इक्वल टू वन प्लस ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और इसको हम एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर पर बाद में एलसीएम लूंगा डिवाइडेड बाय थ्री बाई टू अपॉन ए स्क्वायर, और ये वाई क्यूब को मैं कहाँ ले जाता हूँ ऊपर. नाउ रो इज इक्वल टू ये वाई क्यूब अपॉन ए स्क्वायर को यहाँ लिख दीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये आएगा आपके पास वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर पावर थ्री बाई टू, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है ए स्क्वायर, तो यहाँ रखेंगे तो ये आएगा वाई क्यूब अपॉन ए स्क्वायर. नाउ ये आएगा आपके पास ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, और ये बाई टू से पावर कैंसिल होगी तो ये आएगा वाई क्यूब अपॉन ए स्क्वायर. तो स्टूडेंट ये पावर थ्री बाई टू है तो ये टू से कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा ए क्यूब अपॉन वाई क्यूब. नाउ इस वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल और इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी ए. तो स्टूडेंट इस तरह से हम इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब ये होता है कि कर्व की रेडियस क्या है, राइट. तो हम जानते हैं सर्कल की रेडियस कितनी होती है, ए होती है, और हमने मैथमेटिकल भी इसको क्या निकाल दिया, ए निकाल दिया. अब यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे पूछ ले, राइट, क्या पूछ ले, अगर ऐसा पूछ ले कि एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी एंड वाई इज इक्वल टू ए साइन टी, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर. और हम जानते हैं कि एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी एंड वाई इज इक्वल टू ए साइन टी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं इसके, राइट. तो अगर ये बोले तो कैसे निकालेंगे, तो अगर ये बोले तो उस वाले केस में इसका फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट, ये होगा. तो हम कैसे करेंगे देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ. सबसे पहले हम निकालेंगे इसका डेरिवेटिव एक्स डैश, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ए कॉस का हो जाएगा माइनस साइन टी, डबल डैश मतलब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये आएगा कॉस टी. नाउ वाई डैश ये आएगा ए कॉस टी वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस का ए साइन टी. नाउ स्टूडेंट इसका जो फार्मूला होगा वो होगा एक्स डैश का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस वाई डैश का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी की पावर 3 बाई टू डिवाइडेड बाय एक्स डैश वाई डबल डैश मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, एक्स डैश वाई डबल डैश इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी. स्टूडेंट हम क्या करेंगे अंदर से ए स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, तो जब ए स्क्वायर कॉमन निकालेगा तो ए स्क्वायर के ऊपर पावर कितनी है 3 बाई टू, तो ये 2 से 2 तो ए क्यूब हो जाएगा बाहर आके, अंदर बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी पावर 3 बाई टू, और यहाँ से भी हम ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी. और स्टूडेंट हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 ये भी 1, तो यहाँ से बचेगा आपके पास ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आएगी ए. तो स्टूडेंट मैंने दोनों फार्मूले आपको बताया, ये वाला फार्मूला भी बताया, अगर क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दे रखा है तो इसका इस तरीके से सॉल्व करना है, और अगर हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है तो उस वाले केस में इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दोनों से आंसर हमारा क्या आएगा सेम आएगा. तो मैं कुछ और क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा इन फार्मूले पे बेस्ड, सो दैट कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए. सो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 1 एट 1/4, 1/4. कभी आपसे ये पूछे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो स्टूडेंट कुछ नहीं करना, आपको वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हम करते हैं, बस यहाँ पे लास्ट में वो पॉइंट रख देंगे अपन. तो देखिए आप क्या करेंगे है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फार्मूला होता है वो तो हमारे पास क्या होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पावर 3 बाई टू डिवाइडेड बाय डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला होगा. तो यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, बस उसमें पॉइंट रखना है. देखो कैसे करेंगे इसको, हम डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, तो 1 रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, रूट वाई का होता है 1 अपॉन 2 रूट वाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये उधर गया और 1 बाई 2 गया 0 में, तो ये आएगा माइनस का 1 अपॉन रूट एक्स, और ये रूट वाई ऊपर चला जाएगा तो ये वैल्यू इसकी ये आएगी है ना. नाउ अब क्या करेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स ये पॉइंट रखेंगे 1/4, 1/4, तो ये पॉइंट रखेंगे तो यहाँ 1/4 यहाँ 1/4 आएगा और ये कैंसिल होगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस 1 आएगी. नाउ स्टूडेंट अब क्या करेंगे हम, हमें इसका एक और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो इसको हम वापस से डिफरेंशिएट करेंगे एक और बार, सो ये आएगा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. तो स्टूडेंट देखिए रूट एक्स को छोड़ा रूट वाई का किया तो 1 अपॉन 2 रूट वाई माइनस यू अपॉन वी से करेंगे इसको डिफरेंशिएट. नाउ रूट वाई को छोड़ा या अच्छा यहाँ वाई के रेस्पेक्ट किया तो यहाँ डी वाई बाय डी एक्स भी आएगा. नाउ रूट एक्स वाई को छोड़ा
इसका आएगा 1/2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स का स्क्वायर, तो ये एक्स हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम पॉइंट रखेंगे स्टूडेंट, सो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एट 1/4, 1/4, तो ये पॉइंट रखेंगे हम, है ना। अगर हमें पॉइंट नहीं दिया तो हम सीधा ये वैल्यू और ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, पर यहाँ पॉइंट दे रखा तो हमें पॉइंट रखना पड़ेगा। तो यहाँ स्टूडेंट क्या करेंगे, हम 1/4, 1/4 रखेंगे, तो ये रखूँगा 1/2, 1/4, और यहाँ भी 1/4 रखूँगा। और स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स एट 1/4, 1/4 की इतनी वैल्यू आ रही है, -1 आ रही है, तो इसकी जगह हम -1 रखेंगे, -1/2, ये आएगा 1/4, 1/4। नाउ डिवाइडेड बाय इस एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/4। सो स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ पे ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो रही है, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो रही है, तो यहाँ से आ रहा है आपके पास माइनस, तो बाहर है ये -1/2, -1/2, और नीचे आ रहा है ये 1/4, तो इस 4 को मैं ऊपर ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। -1/2, -1/2 कितना हो जाएगा हमारे पास, -1, और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। नाउ ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों उठा के यहाँ रखेंगे, तो रो की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, रो एट 1/4, 1/4 इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आएगी 1 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो ये आएगा -1 का होल स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 4 है। नाउ ये -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 और 1 2, और 2 की पावर 3/2, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 2√2/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1/√2 आएगी। सो इस तरह से हम इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या होता है स्टूडेंट, इन कर्व y इक्वल टू a की पावर x बाय प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है, और यहाँ पे आपको थीटा ये दे रखा है। तो स्टूडेंट सेम ये फार्मूला लगेगा जो यहाँ लगेंगे, बस हम क्या करेंगे dy बाय dx निकालेंगे। तो स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, a की पावर x बाय, और x बाय a का आएगा 1/a, ये a से कैंसिल, सो e की पावर x बाय a। हम इसको एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y बाय dx स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, इसको एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/a आगे आ जाएगा, ये और ये इस फार्मूले में पुट करेंगे तो रो इज इक्वल टू 1 dy/dx का होल स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर आएगा डिवाइड पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y/dx स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट 1/a तो ऊपर लेके जाइए, 1 e की पावर 2, या इसको ऐसा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, e की पावर x/a का होल स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाय e की पावर x बाय। पर स्टूडेंट आपको तो प्रूफ में ये लेके आना है, तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे कुछ और गिवन है, ये और ये दोनों से आपको यहाँ पे एक रिलेशन निकालना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूँ क्या होगा। तो स्टूडेंट देखिए, आप यहाँ पे ये a को मैं डिवाइड करता हूँ, तो जब मैं a को डिवाइड करूंगा तो y बाय a इज इक्वल टू कितना आएगा, e की पावर x बाय, और स्टूडेंट इस 10 को इधर लाता हूँ मैं, तो यहाँ से y बाय a की वैल्यू कितनी आएगी, 10 थीटा, है ना। ये y by a is equal to e की पावर x by a, और ये 10 इधर आया, तो 10 theta is equal to y by a, तो स्टूडेंट ये भी y by a के बराबर, ये भी y by a, तो इन दोनों से यहां से हमारे पास क्या आएगा, 10 e की पावर x by a किसके बराबर होगा, 10 theta के बराबर होगा। तो यहां पे जो फार्मूला है इसमें e की पावर x by a की जगह हम क्या रख देंगे, 10 theta रखेंगे, तो मैं इसको यहां रखता हूं, सो रो इज इक्वल टू 1 यहाँ a बाहर है, है ना, 1 e की पावर x by a की वैल्यू 10 रखूंगा तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज पावर होल स्क्वायर है पावर 3/2 डिवाइडेड बाय ये आएगा 10 थीटा, और 1 10 स्क्वायर स्टूडेंट हमारे पास कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है डिवाइडेड बाय 10 थीटा। नाउ ये सेक स्क्वायर तो 2 से 2 कैंसिल हो, तो सेक क्यूब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास सेक क्यूब थीटा, और इस 10 थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो मैं कॉस को ऊपर ले आया। नाउ कॉस से एक सेक कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, और साइन को ऊपर लेके गया तो ये आएगा हमारे पास कॉसेक थीटा। तो स्टूडेंट इस तरह से इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। मैं आपके सामने एक दो क्वेश्चन लूंगा, फिर इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। सो स्टूडेंट एक लास्ट क्वेश्चन वो देखिए आप लोग, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फॉलोइंग कर्व एट इट्स वर्टेक्स। तो आपको इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है इसके वर्टेक्स पे। तो स्टूडेंट बता दूं मैं, यहाँ पे कर्व ट्रेसिंग का कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि आपको पहले इसकी वर्टेक्स पता करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको कर्व ट्रेस करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे IT12 यहाँ पे मैंने कर्व ट्रेसिंग का वीडियो अपलोड कर रखा है, सो आप वहाँ एक बार देख लें कि कर्व ट्रेसिंग का कंसेप्ट क्या है, क्योंकि मैं वापस यहाँ बता नहीं सकता, बहुत लंबा हो जाएगा। सो आप यहाँ IT12 पे जाके चेक कर लें। सो स्टूडेंट देखिए आप, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से लिखता हूँ, तो ये आएगा हमारे पास 4a² 2a - x, और ये देखिए ये हमारा कर्व होगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस,
और यहाँ पे y की पावर इवन है, तो ये करो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मतलब जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। अगर ये x एक्सिस के सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं x एक्सिस को कट कर रहा होगा, और x एक्सिस को कट कर रहा होगा तो ऑब्वियसली इसका y कोऑर्डिनेट जीरो होगा, और y कोऑर्डिनेट को जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू 2a आएगी। तो ये इस कर्व को कहां कट कर रहा है, 2a, 0 पे कट कर रहा है। मतलब ये हुआ कि आपको इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी 2a, 0 पे, राइट। पर एक बार मैं बता दूं कि कर्व ट्रेसिंग से इसका कर्व क्या होगा। तो स्टूडेंट ये कर्व x एक्सिस को यहां पे कट कर रहा है, पर अब बता दूं कि ये इसको नहीं कट कर रहा, उधर जा रहा तो ये इधर आ रहा है कि उधर आ रहा है, तो यहां पे हमें असिम्प्टोट का पैरेलल असिम्प्टोट का कांसेप्ट लगाना पड़ेगा। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं यहां आईटी 12 यहां पे पैरेलल असिम्प्टोट का वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। सो देखिए आप y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कितना है, x है, और y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट को जीरो पुट करते, दैट इज x इज इक्वल टू जीरो, और x इज इक्वल टू जीरो का मतलब होता है y एक्सिस। तो ये इसकी असिम्प्टोट होगी, तो ये जो कर्व होगा ये इस टाइप का होगा। मतलब आपको इस पॉइंट पर इसकी क्या निकालनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी, राइट। तो अब इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालें तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको सॉल्यूशन में बताता हूं। यहां पे जो हम फार्मूला लगाएंगे वो फार्मूला ये वाला लगाएंगे, 1 + dx/dy का होल स्क्वायर पावर 3/2 / d2x/dy² राइट, है ना। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता पड़ेगा ये फार्मूला लगाना, हम तो dy बाई dx वाला ही लगा सकते हैं। देखो फार्मूला dy बाई dx का होल स्क्वायर अपॉन d2y/dx² होता है, पर कुछ केसेस में हमें ये फार्मूला भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वहां पे ये 2a, 0 रखने पर उसकी वैल्यू इन्फाइनाइट आ जाएगी और वो रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं निकलेगी, है ना। तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, इससे आपको वैल्यू आएगी, राइट। तो आप चेक करोगे तो आपको ये आइडिया लगेगा, ठीक है। सो देखिए आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले तो dx/dy निकालना, तो हम x अलग से रखना है, तो क्या करेंगे देखिए आप, xy² = 8a³ - 4a²x, इस x को इधर लाइए आप, तो ये आएगा हमारे पास y² + 4a²x कॉमन आ जाएगा। नाउ इसको डिवाइड करेंगे हम, तो ये आएगा 8a³ / y² + 4a²। नाउ स्टूडेंट हमें चाहिए यहाँ पे dx/dy, है ना। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y का जो डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट वो होता है माइनस का होल स्क्वायर, और इस y स्क्वायर का होगा 2y। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या रखना है, 2a, 0, तो यहाँ रखेंगे dx/dy @ 2a, 0, तो जैसे 2a, 0 रखेंगे तो ये y की जगह 0 रखने पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। नाउ इसको हम वापस फिर से करेंगे, राइट। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये dx/dy को थोड़ा सा इज्जत से लिख लें, सो ये 2 से ऐसा आ जाएगा, तो ये आएगा 16a³y / y² + 4a² का पावर 2। नाउ इसको फिर डिफरेंशिएशन करना है u/v से, तो d2x/, मैं थोड़ा सा इधर सॉल्व करता हूँ इसको, ठीक रहेगा। सो देखिए आप यहाँ पे क्या होगा, d2x/dy², तो u/v से होगा, तो 16a³ तो कॉमन आ गया, यहाँ पे y² + 4a² को कॉमन रहने दिया, इस y का किया तो 1 आएगा, माइनस इस y को छोड़ा इसका करेंगे तो ये आएगा 2y² + 4a², देन y² का वापस होगा 2y, तो मैं ये 2y, ये 2y आएगा, डिवाइडेड बाय y² + 4a² की पावर 4। नाउ इसके अंदर वापस पॉइंट रखेंगे अपन, d2x/dy² @ 2a, 0, तो स्टूडेंट 16a³, जहाँ पे y वहाँ 0 रखेंगे तो बचेगा यहाँ 4a² और 4a² होता है 16a⁴, और यहाँ पे तो 0 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी हम 0 रखेंगे ये बचेगा, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, 4a² का होल स्क्वायर, और 0 रखने पर यह आएगा 4a² की पावर 4। नाउ पावर 4 तो ये 2 पावर बची यहाँ पे, नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 16a³, और यहाँ इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 16a⁴, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 1/a आया, और यहाँ से 0 आया, ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 + 0 की पावर 3/2 / 1/a, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी आएगी, ए आएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट मुझे लगता है आपको मेरा जो वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं आपको बता दूं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट पार्ट में मैं 3 टाइप के क्वेश्चन लेने वाला हूँ, एक तो एस्ट्रॉइड लूंगा, एक आपका पैराबोला लूंगा, और एक आपका लूंगा एलिप्स, जिसमें 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। सो आप मेरा नेक्स्ट इसका पार्ट 2 जरूर देखें, जो आपको 3 से 4 क्वेश्चन वहां पे लेने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस, और स्टूडेंट प्लीज आप कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर करिए, सो दैट कि मैं आगे और इस चीज को मेंटेन रखूं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू।